नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में ड्रिल मशीन के बारे में भी जानकारी दिए थे और आज फिटर टेड से ही मैं एक बहुत ही सूक्ष्म मापी यंत्र हमारे सामने है जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये जो टूल है आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है माइक्रोमीटर। तो आज इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। तो ये माइक्रोमीटर क्या है कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है माइक्रो और दूसरा है मीटर। तो माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और मीटर का अर्थ होता है मापने वाला। तो माइक्रोमीटर ये दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है और इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो जैसे कि इससे पहले अगर हमको कोई भी चीज़ मापनी होती है तो हम क्या करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। लेकिन स्केल एक सिर्फ आधा एमएम तक ही मेजरमेंट कर सकती है, ना कि वो उससे कम कर सकती है। तो ऐसी बहुत सारी आगे जब हमको बहुत ही सूक्ष्म मापी फिनिशिंग वगैरह करनी होती है और जहाँ पे भी हमको माप लेनी होती है तो उस समय हमको माइक्रोमीटर की ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए आज जो हमारे सामने माइक्रोमीटर है उसका साइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो होता है ये इस समय जो हमारे पास में है वो 0 से 25 mm, 0 से 25। और ये क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट साइजों में होता है, 0 से 25 होता है, 25 से 50 होता है और 50 से 75 होता है और 75 से 100 mm होता है। तो ये इसकी हो गई रेंज जिसको कहते हैं। उसके बाद में अब जो हम बात करते हैं कि वो इसका प्रिंसिपल क्या है, हर एक का एक सिद्धांत होता है कि वो किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। तो जो अब हम प्रिंसिपल की बात करें तो ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब वो बात आती है तो नट बोल्ट पर ही क्यों कार्य करता है, तो क्या होता है कि आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा ये स्पेंडल है, तो स्पेंडल में जो होती है इसमें थ्रेड कटी हुई होती है और वो नट बोल्ट के ही, जैसे कि हम लोग एक देखे होंगे नट और बोल्ट जब भी चढ़ाते हैं तो वो आगे की ओर, आगे या पीछे की ओर, लेफ्ट और राइट में चलता रहता है, तो उसी प्रकार इसमें भी अंदर जो है इसके स्लीव में अंदर चूड़ी कटी होती है जो कि आगे और पीछे जब भी हमको मेजरमेंट करना होता है तो इसे हम आसानी से कर लेते हैं। तो एक तो ये हमारी बात आ गई प्रिंसिपल की। अब जो हम बात करते हैं लिस्ट काउंट, जो मतलब लिस्ट काउंट कहते हैं अल्पतम माप, किसी चीज़ की सबसे कम से कम माप कितनी होती है। तो वो आपको बता दें कि जो अल्पतम माप होती है वो हमारी होती है मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में जो इंचेज में बात की जाए तो वो होती है 0.001 इंच। तो ये इसकी हो गई लिस्ट काउंट। अब हम थोड़ा बात करते हैं इस माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वो कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं इधर से हम लोग चल रहे हैं तो ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रैचिट। ये रैचिट का काम ये होता है कि जब भी हम कोई भी अपने जाब को यहाँ पे फंसाते हैं तो उसको ओवर जब भी टाइट करते हैं तो टाइट करने के बाद में एक स्थिति वो आती है जो बिल्कुल वहाँ पे रुक जाता है और उससे क्या होता है कि अगर हम उसको ओवर टाइटिंग ज़्यादा प्रेशर देने लगेंगे तो ये क्या करता है, चट-चट की आवाज़ करने लगता है, यहाँ से आवाज़ इसकी आने लगती है कि इससे ज़्यादा अगर ओवर टाइटिंग करेंगे तो हमारा क्या है, स्पेंडल टूट सकता है, ठीक है, माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी ख़त्म हो सकती है। तो इसका काम होता है रैचिट। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी लाइनिंग आपको बनी होती कि इधर नहीं लाइनिंग बनाई गई, सिर्फ यहीं पे क्यों बनाई गई, यहीं पे क्यों, ऐसी भी बहुत सारी बातें आती हैं। तो अगर हम लाइनिंग की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल में इसको कहते हैं नर्लिंग। ये जो आप देख रहे हैं कि कट लाइनिंग बनी हुई है इसको बोलते हैं नर्लिंग। अब जो नर्लिंग क्यों बनाई जाती है तो क्या होता है कि हम लोग इसका जो भी मूवमेंट करते हैं तो वो हाथ से ही करते हैं आगे पीछे, क्योंकि अगर वो वहाँ पर नर्लिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हाथ से फिसलने का ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए इस पर देखिए थिम्बल पे और रैचिट पे दोनों पे नर्लिंग की गई है तो इसको बोलते हैं रैचिट, ठीक है। अब अगले पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो अगला हमारा पार्ट्स है ये, इसको बोलते हैं थिम्बल। देखिए थिम्बल है आगे पीछे, इसी के द्वारा जब भी हम कोई माप लेते हैं या कम ज़्यादा करते हैं तो देखिए आप लोग यहाँ पे जो है ये हमारा पीछे की ओर थिम्बल को घुमाते हैं तो हमारा स्पेंडल जो है पीछे की ओर जा रहा है और आगे बढ़ाते हैं तो इसको आगे की ओर हम ऐसे करके बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा हो गया थिम्बल। उसके बाद में अगले पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा स्लीव या बैरल। ये देखिए जो खुल रहा है ये वाला भाग जो खुल रहा है आपके सामने तो इसको कहते हैं स्लीव या बैरल। तो ये देखिए पीछे की ओर जितना ही, अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा यहाँ पे इसका पाठ्यांक दिया हुआ है, यहाँ पे भी पाठ्यांक दिया हुआ है थिम्बल पे भी
और यहाँ पे भी स्लीपर भी इसका पाठ्यांक दिया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं, रैचिट हो गया हमारा, थिम्बल हो गया, उसके बाद में हमारा स्लीव हो गया, स्लीव या बैरल। अब हम बात करते हैं उसके फ्रेम की कि भाई उसका फ्रेम क्या होता है। तो आप लोग ये देखिए कलर जो है ये घुमा हुआ है युवकार का, तो इसको बोलते हैं फ्रेम, ये पूरा फ्रेम होता है। और फ्रेम में ही उसका साइज भी लिखा हुआ होता है, उसका लिस्ट काउंट भी होता है, कोई भी होता है माइक्रोमीटर तो लगभग में उसके सामने लिखा हुआ होता है। तो आप लोग देख लीजिए जी प्रकार जो है हमारा देख रहे हैं आप लोग, लिस्ट काउंट ऊपर दी हुई है 0.01 mm, और उसके बाद में उसका जो माइक्रोमीटर का साइज है वो भी आपके सामने है 0 से 25 mm तक। तो जो हम मेजरमेंट इससे करेंगे 0 से 25 का मतलब है जितना हम मेजरमेंट वो 25 mm ही खुलेगा, इससे ज़्यादा हमारा माइक्रोमीटर नहीं खुलेगा। और इससे भी ज़्यादा अगर हमको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास और भी माइक्रोमीटर रखे हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिए ये हमारा 0 से 25 हो गया। उसके बाद में अगर हमको 25 से 50 mm का चाहिए तो ये देखिए आपके सामने है, इसमें भी ऊपर लिस्ट काउंट दी हुई है 0 से 0.01 mm, और नीचे उसका 25 से 50 mm का साइज दिया हुआ है। सेम प्रोसेस उसका वर्किंग का यही रहता है, जो हमारा 25 वाला है वही 50 वाला रहता है। इसके बाद में अगर इससे भी ज़्यादा अगर हमको मेजरमेंट करना है तो फिर अगला हमारे पास देखिए माइक्रोमीटर है, ये हमारा 50 से 75 mm। तो यहाँ पर भी देखिए उसके फ्रेम पर भी इसका साइज़ दिया हुआ है, लिस्ट काउंट ऊपर दी हुई है, और उसका देखिए 50 से 75, आप लोग साइज देख लीजिए। तो ये उसका इस तरीके से हमको जैसे भी, और इसके बाद में जो हमारा आता है वो 75 से 100 mm का। तो ऐसे बहुत सारे जो है कि जितना भी हमको मेजरमेंट करना है तो वो माइक्रोमीटर से हम कर लेते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे पार्ट्स की, तो फ्रेम की बात करते हैं। तो फ्रेम हमारा आप लोग देख रहे हैं, तो ये हमारा उसका फ्रेम हो गया है। उसके बाद में आप देखिए इसको जितना भी आगे पीछे खोलते हैं तो ये आपका कहलाता है स्पैंडल, जो कि इसमें अंदर थ्रेड कटी हुई होती है, और वो आपका हो गया स्पैंडल। और स्पैंडल के ही सामने आप ये देखिए एक फेस उसी तरीके से बना हुआ, तो इसको बोलते हैं एनबिल, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनबिल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद में अगर जैसे मान लिया हमको जब हमने मेजरमेंट किया है तो करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको ये लॉक नट लगा हुआ है, आप देखिए सामने ये है लॉक नट। तो इसको क्या करते हैं, जब हमारा जॉब फिक्स हो जाता है मेजरमेंट के लिए तो इसको फिर हम लॉक ऐसे करके कर देते हैं, तो ये लॉक हमारा हो जाता है। लॉक होने के बाद में अब हम क्या करते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, तो उसकी रीडिंग कितनी आई है। खैर उसमें अभी रीडिंग में आपको बता रहे हैं, तो इसके बीच में क्या होता है कि अभी इसमें देखा जाता है त्रुटि की बात की जाए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मापी यंत्र है, तो इसलिए हम लोग त्रुटि की जब बात करते हैं तो इसमें देखिए त्रुटि बोली जाती है जिसको कहते हैं शून्य त्रुटि। तो शून्य त्रुटि में हम क्या करते हैं, एनविल और स्पैंडल को आपस में मिला करके देखते हैं। तो ये जो हमारी आपस में देखिए हमने मिला दिया, अब जो डेटम लाइन होती है तो डेटम लाइन के स्लीव और थिम्बल का शून्य जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पर इस समय ये जो है थिम्बल जो डेटम लाइन है वो 0-0 पे है, ये देखिए सीधे आपको दिखाई दे रही होगी 0-0 पे, तो इसके मतलब जो है शून्य त्रुटि नहीं है, ठीक है। अगर है तो क्या होगा, डेटम लाइन से ये या तो आगे हो जाएगा या पीछे रह जाता है, तो वो आपकी त्रुटि शून्य त्रुटि कहलाएगी। तो अब हम बात करते हैं, तो इसमें तो देखिए त्रुटि जो होती है हमारी वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव। तो जो धनात्मक शून्य त्रुटि होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है, धनात्मक त्रुटि में जो थिम्बल का शून्य होता है वो डेटम लाइन से पीछे हो जाता है, तो वो आपकी धनात्मक त्रुटि कहलाती है। इसमें जाम में ली गई माप में से जो शून्य त्रुटि होती है उसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो ये आपकी कहलाएगी धनात्मक त्रुटि। अब दूसरी हम बात करते हैं ऋणात्मक त्रुटि, तो ऋणात्मक त्रुटि में क्या होता है, सेम अपोजिट होता है, वो आगे निकल जाता है और उसमें से जाम में जितनी भी शून्य त्रुटि होती है उसको जोड़ दिया जाता है, तो ये आपकी हो गई दोनों त्रुटियाँ। अब हम बात करते हैं कि जो अब हम लोग जो मेजरिंग की बात कर रहे हैं, तो अब हम आपको इसका मेजरमेंट करके दिखाएंगे। अभी हमारे सामने देखिए एक हमारे पास जाब है और इसकी माप आप लोगों को लेकर के हम दिखा रहे हैं कि ये हमारा कितने mm का जाब है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि थिम्बल को स्पैंडल को पीछे की ओर खोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके हमने इसको पीछे की ओर खोल दिए हैं। अब इसमें देखते हैं कि जाब को हमको फंसाना है, और हाँ एक चीज़ और इसी बीच में रहती है, तो ये जो
ये जो पॉइंट रहते हैं इनके, आप देख रहे होंगे एनविल और स्पेंडल के बीच में, यहाँ पे एक कार्बाइड की टिप लगी होती है। ये जो होती इनके फेस पर कार्बाइड की टिप होती है, वो क्यों लगाई जाती है, क्योंकि जब हम मेजरमेंट करते हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म मापी है, तो यहाँ पे उसके क्या होता है, घिसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए कार्बाइड की टिप लगाओ। कार्बाइड बहुत ही हार्ड मेटल होता है, तो जिससे जो है घिसता नहीं है और एक्यूरेसी जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो अब हम आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये जाब है, और इसमें क्या करते हैं, ये देखिए अब इस तरीके से हमने जाब को पकड़ लिया है, और अब ये हम थिम्बल को, ये देखिए यहाँ पे अब इसको हम लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे लॉक कर दिया है, ये हमारा जाब फंस गया है। उसके बाद में जाब को हमने ये निकाल लिया, अब हम आपके सामने देखिए रीडिंग पढ़ते हैं कि कितने एमएम, कितनी थिकनेस का हमारा जाब है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी रीडिंग है, तो देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, एक तो होती है हमारी मेन डिवीज़न, दूसरा होता है सब डिवीज़न, और तीसरा होता है थिम्बल डिवीज़न। अब जो हमारी मेन डिवीज़न होती है उसमें एक एमएम होता है, ठीक है, और जो सब डिवीज़न होता है वो आधा एमएम खुलता है, तो ये आपका कहलाएगा सब डिवीज़न। और फिर जो होता है हमारा थिम्बल होता है, तो थिम्बल में हम क्या करते हैं, थिम्बल इंटू लिस्ट काउंट, जो हमारी लिस्ट काउंट होती है थिम्बल के जितने भी संख्या उसके सामने होगी डेटम लाइन के, तो उसमें हम क्या करते हैं 0.01 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन तीनों चीज़ों को, तीनों को हम जोड़ देते हैं कि जितना आता है वो हमारी उसकी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट आ जाती है, या जो भी हमारा जाब है वो आपकी लिस्ट काउंट कहलाती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि कितने एमएम है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से गिनती गिन लेते हैं, देखिए 0, 5, 10, तो इसके मतलब ये जो है हमारा 10 एमएम खुल चुका है। तो 10 एमएम कितना खुला है, ये हमारा हो गया उसका मेन डिवीज़न, 10 एमएम से भी अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो अगर इसको हम बाहर करेंगे तो देखिए 10 एमएम जो है हमारा ये वाली लाइन अगर इस पर मैच करेगी तो ये हमारी हो गई 10 एमएम, तो ये 9 एमएम है। अब 9 एमएम में हम क्या करते हैं, 9 एमएम में ये देखते हैं कि उसका सब डिवीज़न खुला है कि नहीं खुला है। तो अगर सब डिवीज़न खुला हुआ है तो देखिए अब 9 एमएम तो 9.00 ये हमारा हो गया, तो सब डिवीज़न अगर होगा तो 0.5 एमएम और उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर नहीं खुला है तो उसको 0.00 सब डिवीज़न को कर देते। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि थिम्बल डिवीज़न कितना खुला है, तो देखिए 1, 2 मात्र 1 एमएम थिम्बल डिवीज़न, थिम्बल डिवीज़न को जैसे 0.1 एमएम खुला हुआ है, तो इसको क्या करते हैं 0.01 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना निकल करके आता है उन तीनों की हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में जो भी लिस्ट काउंट आती है वो हमारी उस जाब की लिस्ट काउंट कहलाती है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर एंड लाइक का बटन।